छाता पुलिस के हत्थे चढ़े ये दोनों लोग वो शातिर हैं जो पुलिस की आंखों में ही नहीं बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंक कर चला रहे थे हथियारों की फैक्ट्री। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग छाता की बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री के पीछे हथियार बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब छापामारी की तो वहां मिली हथियारों की फैक्ट्री। हथियारों की फैक्ट्री देखकर भी पुलिस दंग रह गई। मौके पर पुलिस को 6 तमंचे देशी 315 8 जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। पकड़े गए इन छात्रों में से एक ईशु पुत्र रहीम बक्स निवासी शाहपुर और यूनुस पुत्र मुनशरीफ निवासी नगला ओटावर कोसी का रहने वाला बताया गया है। इस घटना के बारे में सीओ छाता चंद्रधर गौड़ ने जानकारी दी। कल दिनांक 21/11/2017 को मैं और चौकी इंचार्ज बाजना मैं फोर्स के गश्त पे थे तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली रायपुर के जंगल में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सूचना पर हम पुलिस बल के साथ मौके पे पहुंचे और चारों तरफ घेराबंदी की। घेराबंदी करके हमने दो बदमाश कदीर निवासी शेरगढ़ और प्रेमवीर निवासी टप्पल को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बने एवं अनबने कई तमंचे कई नाल और भारी मात्रा में फैक्ट्री से संबंधित सामान मशीनें बरामद हुई हैं जी। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। कब से कर रहे थे सर ये काम? ये कार्य काफ़ी दिनों से कर रहे थे और इनका ये कहना है, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा था और इससे जो पैसा आता था उससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था।